बस ये सिंपल तीन चार ट्रिक है, ये कर लो और बस आ जाओ यूके, आ जाओ, बिकॉज सबको पाकिस्तान से भागने का वो है, शौक है। आ जाओ यहाँ, बहुत मजे है यहाँ पे। कॉपी वगैरह कर रहा था तो जिस शॉप में था उसी उसी शॉप में मैं एक सीवी छोड़ दिया। अरे कहा चलो तुम आप लोग भी रख लो। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैर खैरियत से सही सलामत होंगे और घर में सब खैर खैरियत ही होगा। और मैं बताना चाहता हूँ, आप लोग समझ रहे होंगे कि चलो एक जॉब तो गया, अब रईस क्या करेगा। तो रईस के पास जब से आया था तो मैंने एक इंडीड पे अप्लाई किया हुआ था उस टाइम, और मुझे जॉब ऑफर हुई थी उस टाइम इंटरव्यू भी हुआ था। एक जॉब तो मैं कर रहा हूँ ऑलरेडी, जो 20 आवर मुझे अलाउ है वो मैं कर रहा हूँ, और दूसरी जॉब के इंटरव्यू में दे चुका था और मुझे कुछ रिस्पांस वगैरह नहीं मिला था। आप लोगों ने ये वीडियो देखी होगी मेरी, जो प्रीवियस मैंने अपलोड किया हुआ था, उसमें मैंने बताया था कि मुझे फाइल पे रखा था और मुझे सैलरी वगैरह ऑफ़र भी आया था, पर मुझे नहीं मिला फिर सैलरी। एक दिन का काम था 2-3 घंटों का। यहाँ पे जब भी हो तो ट्रायल ट्रायल पे जो रख रहे हैं आप लोग को, उस पे उसको कहोगे कि मैं जॉब करूँगा ट्रायल पे भी, पर मुझे तुम पे करोगे। तो मुझे तो नहीं मिला, ये जो उन्होंने मतलब मैसेज पे मुझे बताया था कि तुम्हें मिलेगा, पर वो मुझे पे वगैरह नहीं मिला। तो बात करने का मतलब ये है कि जब भी आओ ट्रायल के लिए, आओ ट्रायल के लिए आप लोगों को बुलाए तो तुम लोग कहोगे कि मुझे पे करो। तो एनी हाउ मैंने इंटरव्यू दिया था फर्स्ट जॉब का, जब आया था 3 दिन बाद मैंने ऑफर आया था मुझे कि आ जाओ इंटरव्यू दे दो। इंटरव्यू मैंने क्लियर कर लिया। इंटरव्यू में क्या था कि एक्सपीरियंस क्या है तुम्हारा, कहाँ से आए हो और किधर तुम्हारा एक्सपीरियंस है, और तुम कहो कि मैं पाकिस्तान में था, और पाकिस्तान में और यहाँ की एक्सपीरियंस का बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। अगर आप मुझे ट्रायल पे रखोगे तो मुझे कुछ ट्रेन वगैरह का ट्रेनर दे दोगे कि मुझे एक दिन के लिए ट्रेन करे, बिकॉज़ मुझे यहाँ की समझ और वहाँ की समझ में थोड़ी डिफरेंसेस होगी, वो मैं सीख लूँगा। तो फ्यूचर में अगर मैं आप लोग के साथ काम कर रहा हूँ तो कुछ मुश्किलात वो नहीं होगी मुझे भी, और आप लोग को भी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तो बात करने का मतलब ये है, जॉब करने का जो मेन तरीका है वो मैंने ये पिछले व्लॉग में बताया था कि जब आओ एक दिन रेस्ट करो, सेकंड दिन तुम निकलो जितनी भी शॉप्स है उधर जाओ और बस वहाँ पे अप्लाई वगैरह कर लो, ईमेल दे दो, नंबर दे दो, जो भी हो। अगर रेफरेंस है जो मतलब आपका दोस्त काम कर रहा हो वहाँ पे, जो उन लोग का रेफरेंस चलता है उधर भी और रेफरेंस दे देगा, उधर भी ईमेल या सीवी छोड़ दो। और दूसरी जगह दूसरी जितनी भी शॉप मिले जाओ और बस कह दो कि आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, बस सिंपली 3-4 वर्ड लें और लोग अप्रिशिएट करते। ये नहीं कि चले जाओ दफ़ा हो जाओ हमारे साथ जॉब नहीं है और ये है वो, मतलब वो अप्रिशिएट करते हैं कि वो बहुत अच्छी तरीके से डील करते हैं लोगों को कि हाय वेलकम सर, क्यों नहीं मतलब हाय वेलकम सर, मैंने तो उर्दू में बताया पर वो इस तरह नहीं बोलते कि हाय वेलकम, ये अब बस वो कर दे कि ईमेल दे दो, गिव इट टू ईमेल, हमें आपको आप लोग को ईमेल कर देंगे, और नंबर दे, नंबर भी आप लोग दे दोगे। बस ही 3-4 पॉइंट है, हर जगह जाओगे, हर शॉप में जाओगे, सीवी दोगे, नंबर दोगे, ईमेल दोगे, बस बात ख़त्म। सीवी हार्ड फॉर्म में पाकिस्तान से 50-60 जितनी भी हो सके उतने लेके, और यहाँ पे बिकॉज यहाँ पे पैसे लगते हैं, अगर तो एक 2 पाउंड के तुम 10 कॉपी यहाँ पे करते हो तो 2 पाउंड कितने हो गए पाकिस्तानी, 800 या 700 बनते हैं इस तरह, तो 800-700 की आप लोग 100, 50, 60, 70 कॉपी कर सकते हो। तो यहाँ पे 2 पाउंड मुझे लगे थे, कलरफुल का प्रिंट करवाया था मैंने, वो मुझे मिले थे तकरीबन 2 पाउंड के। और जब मैंने सीवी तो सेकंड डे पे मैंने वो कर लिया, ये सेकंड डे पे मैंने जब सीवी हार्ड फॉर्म में फोटो फोटो कॉपी वगैरह कर रहा था,
जिस शॉप में था उसी उसी शॉप में मैं एक सीवी छोड़ दिया। अरे कहा चलो तुम आप लोग भी रख लो, और लोग कहा चलो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे कि जो 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 वैकेंसी या सीट खाली हो जाए तो मैं आपको ईमेल कर दूंगा। तो उसी शॉप में मैंने एक सीवी छोड़ दिया था। मैं खुद हंस रहा था कि ये उधर से मेरी शुरुआत थी। बस ये सिंपल 3-4 ट्रिक है, ये कर लो और बस आ जाओ यूके आ जाओ, बिकॉज सबको पाकिस्तान से भागने का हो शौक है। आ जाओ यहाँ बहुत मज़े है, यहाँ पे बहुत मज़े है यूके में, आ जाओ आप लोग। सही है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखे और मेरे हाथ के लिए दुआ करें कि हाथ मेरा जल्दी ठीक हो जाए, बहुत बड़ा दाना निकला है। मैं भी दुआ करता हूँ कि जिन लोगों का केस पेंडिंग है, जिन लोगों का अपॉइंटमेंट आ रहा है, और जल्दी जल्दी से अपॉइंटमेंट हो जाए, वीज़ा फाइल हो जाए और बस आ जाओ, बहुत मज़े है। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Wrongs, I have just begun. Ain't no mercy, ain't no mercy.